उत्तराखंड उधम सिंह नगर में डायबिटीज होने पर समय से कराएं जांच। डायबिटीज शुगर के लक्षण आज के दौर में लगभग आम लोगों में है। शुगर से बचने के लिए समय समय पर जांच करानी चाहिए। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता MBBS पूर्व MD सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी। उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत MBBS MD भूतपूर्व सुशीला तिवारी के पूर्वी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। डायबिटीज बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है, छोटे बच्चों व आम लोगों को किस तरह डायबिटीज की बीमारी फैल रही है, इसका मुख्य कारण क्या है, खान पान व आज के समय में अपने शरीर का ध्यान ना देना, ज्यादा फास्ट फूड खाना, टाइम से व्यायाम ना करना भी इसका एक कारण है। धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पर बात करने का। और मैं बताना चाहूँगी, डायबिटीज़ जो है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि एक दूसरे से फैलती नहीं है, और जैसे कि समय आ रहा है, इस समय करीब 7 से 8 करोड़ लोग इंडिया में इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका हमें पता है। बहुत लोगों का तो पता ही नहीं होगा कि हमारे इंडिया में रजिस्ट्री सिस्टम बहुत ही पुअर है, और लगभग इतने ही लोग जितने को डायबिटीज़ है, उतने ही लोग प्री डायबिटीज़ से भी ग्रसित हैं। सबसे ख़राब चीज़ क्या है डायबिटीज़ में कि इसमें शुरुआती कोई लक्षण नहीं होता पेशेंट में। जैसे कि जो लक्षण बताए गए हैं, जैसे ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, कमजोरी होना, ये लक्षण भी सिर्फ 20 से 30% लोगों में आते हैं। तो जिन लोगों को भी सिम्टम है, उन्हें तुरंत जांच करानी चाहिए अपनी शुगर की, और अगर शुगर है तो तुरंत एक प्रॉपर एक फिजिशियन से मिलकर उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम इसका इलाज अगर शुरू नहीं करते समय से, तो बीमारी बढ़ती रहती है बहुत तेज़ी से। वैसे तो बीमारी ये क्योर नहीं होती है, बट ये कि अगर शुरुआत में इसको हम कंट्रोल कर लें तो बहुत सिंपल दवाइयों से, सिर्फ परहेज से भी कई बार कंट्रोल रहती है। और आजकल ये बीमारी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी है, और जो प्रदूषण है, हमारा जल, वायु, खाना पीना सब में पेस्टिसाइड्स हैं, और प्रदूषण एक ये विश्वव्यापी समस्या है। ये एक बहुत बड़ा कारण पाया गया है इस बीमारी का। बाकी हमारी लाइफ स्टाइल, कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल हो गई है, व्यायाम की कमी, खान पान, ये सब चीज़ें बढ़ावा देती हैं डायबिटीज जैसी बीमारियों को। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।